हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एग्जाम से रिलेटेड क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए और साथ में टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो देखेंगे और आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ में पूरे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बचे हुए 28 से 29 दिन में आप पास हो सकते हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। साथ में मैं और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे आपको स्टडी करना है, किस तरीके से आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे और पास होना क्यों जरूरी है, ये भी आपको स्टूडेंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, टैक्स हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। और स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक नहीं बोल सकता हूँ, उनके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, या कुछ स्टूडेंट उनके पहले से अकाउंट वीक होता है और वो चाहते हैं कि लास्ट के एक महीने में पढ़ लो, लेकिन होता क्या स्टूडेंट, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे यूट्यूब पे जाते रहेंगे, खोल के वीडियो देखते रहेंगे और उसके अंदर होता क्या है, एक एक चैप्टर के पीछे आपको घंटों घंटों तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिलते रहता है। मतलब एक चैप्टर का जो उसके थियरी पार्ट्स होते हैं उसके इंट्रोडक्शन होता है, एक से दो घंटा तो ऐसे चला जाता है सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने में। फिर उसके बाद एक सम सॉल्व करो, मालूम चला ऐसे में, इतना कौन मोबाइल से देखेगा, इतना पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है, वो भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ने 6 सब्जेक्ट है, तो ये सब बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है स्टूडेंट आप लोग को। साथ में मैंने देखा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, 15-20 हजार रुपए भी भर देते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता, या तो उनके क्लासेस में पोर्शन नहीं पूरा किया जाता या रिवीजन नहीं कराया जाता है, ऐसे बहुत सारे दिक्कतें मैंने फेस किया हूं। तो ऐसे मुझे एक चीज तो समझा स्टूडेंट की आप लोग को लास्ट के 1 मंथ में बहुत जरूरी होता है क्या पता रहे कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स होते हैं, उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको समझेगा ही नहीं क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कौन से थियरी शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब मोस्टली मैं देखता हूँ स्टूडेंट। तो जो स्टडी होता है वो लास्ट 1 मंथ में होता है और जो शुरू की स्टडी हुई रहती है वो पहले ही स्टॉप हो जाती है या शुरू शुरू में उतना सीरियसली हम लोग पढ़ते नहीं है और एग्जाम के टाइम पे यदि नहीं पढ़े 1 महीने में तो पास होना डिफिकल्ट हो जाता है, और एक बार फेल हो गए तो फिर 80-80 क्लियर करना वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वापस से पढ़ने का मन नहीं करता है। एक बार आपके साथ स्टडी करने वाले स्टूडेंट आगे निकल गए तो 80-80 देते रहना 2 साल चले जाता है, कितने लोग का 3 साल चले जाता है, तो ये सब न हो स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। यदि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट तो पहले सब्जेक्ट की बात कर ले तो 2 टाइप्स के आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है और दोनों के लिए आपको स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपको लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। जैसे यहां पर आप लोग को पता कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके पास ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यदि मैं बात करूं स्टूडेंट तो यहां पर आपको सही से क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि बोल सकते हैं कि सब अकाउंट में सबसे डिफिकल्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, थियरी सब्जेक्ट में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, यहां पर भी 3 सब्जेक्ट है, वेटेज 300 मार्क्स, थियरी में भी 300 मार्क्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग जिसको कॉमर्स बोलते हैं, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट या तो आईटी रहेगा, फिर या तो लेबर रहेगा या तो एक्सपोर्ट रहेगा, और इसमें भी डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा होता है और स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे पेपर चेक होता है, ये सब चीजें पता ही नहीं होता है, तो ऐसे में स्टूडेंट ये डिफिकल्टी आपको 80-80 लग जाएगा, फेल हो जाओगे। इससे अच्छा आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसके थ्रू आप स्टडी करो। तो क्या स्ट्रेटेजी मैं यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे फर्स्ट थिंग आपको, और दूसरी चीज मैं आपको और भी एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट आप लोग को ही देखते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते रहते हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, या बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं लास्ट मोमेंट पे उनको पढ़ना रहता है, शुरू में उनका जो भी पढ़े रहते हैं उनको कुछ याद नहीं रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो आप लोग के लिए
स्पेशल मैंने क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ स्टूडेंट, आपको भी पता रहेगा हर साल मैं क्रैश कोर्स पढ़ाता हूँ और इस क्रैश कोर्स में मेरे 100% रिजल्ट आता है, मतलब हर बार स्टूडेंट पास हो जाते हैं। और एक क्रैश कोर्स होता है कैसे स्टूडेंट, लाइव होता है, ठीक है, लाइव प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है प्लस डाउट सॉल्विंग सेशन होता है और साथ में आपको सबसे बड़ा क्या मिलता है स्टूडेंट, नोट्स मिलता है। कौन सा नोट्स? क्रैश कोर्स मास्टर नोट्स। आप इसके बारे में ऐसे समझ लो कि इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मैं आपको बताता हूं ये नोट्स की वैल्यू क्या है। मैं आपको उससे पहले बता देता हूं, यदि स्टूडेंट आप FA CA और टैक्स की बुक खरीदोगे ना तो इसके बुक 380 के आते हैं, मतलब आपको 1100 से लेकर 1200 रुपए तो सिर्फ ये नोट ये बुक खरीदने में जाएंगे। प्लस आपको थियरी सब्जेक्ट का खरीदोगे तो 500 रुपए उसमें पकड़ लो, आपको 800 रुपए तो सिर्फ नोट्स खरीदने में बुक खरीदने में जाते हैं। तो इस नोट्स के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्लस शॉर्ट नोट्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस है प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के प्लस IMP शॉर्ट नोट्स है जो हर एक सब्जेक्ट के हैं, इको के हैं, इसके अलावा आपको इको के अलावा मार्केटिंग का है, एक्सपोर्ट का है, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स के अंदर है स्टूडेंट। ये नोट्स में 170 पेज के आसपास है, कहीं आप अपने पास से प्रिंट आउट भी करा लोगे, ठीक है, 1 रुपए में प्रिंट आउट बहुत सारे जगह से मिलता है। और साथ में यदि एक क्रैश कोर्स स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हो जिसका फीस बहुत ही मिनिमम है 2500, और गारंटेड बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जितने शॉर्टकट तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उतने शॉर्टकट तरीके से आपको कोई भी पढ़ाते हुए नहीं मिल सकता है। आपको अकाउंट ने 2 घंटे दिए तो 2 घंटे में समझ जाओ कि आपको एक चैप्टर पूरा क्लियर होगा, न कि सिर्फ इंट्रोडक्शन में मैं आपको 2 घंटे लेने वाला हूं और आपको पढ़ाया हुआ चीजें समझ में आ गया। मैं आपको वही टारगेटेड चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है और कैसे आप समझ सकते हो, कितने सिंपल और इजी वे में समझ सकते हो। यदि स्टूडेंट आपको ये ज्वाइन करना तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एक क्रैश कोर्स स्पेशली आप लोग के लिए बनाया हुआ है 9820827674। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल स्टूडेंट। और एक कोर्स ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट 100% आप पास हो जाओगे। यदि आपने इसके लेक्चर अटेंड किए ना जो बचे हुए 26 से 27 दिन है, मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट आप 100% पास हो जाओगे। और मेरे लेक्चर देखने के बाद पढ़ने के बाद आप खुद बोलोगे कि हां सर मैं पास हो जाऊंगा, नहीं तो मैं अभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो आप देखकर समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, किस तरीके से नोट्स बनाया रहूंगा, जिसके थ्रू आप आराम से TY BCOM सेमेस्टर 5 एक बार में पास हो जाओगे। आप जितना टेक्स्ट बुक के खर्चे करने वाले हो ना उतने कम कोर्स में आप पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ के पूरे सब्जेक्ट मतलब 100% पोर्शन इसके अंदर कवर होगा स्टूडेंट, 100% मतलब फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स के 100% पोर्शन आपको यहाँ पर कवर करके मैं आपको दूंगा, जिससे ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ पास नहीं, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहोगे तो आप इसमें टॉप भी कर सकते हो स्टूडेंट। तो वह रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड बातें अभी मैं आपको बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बताता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको यहां पर करने हैं, कैसे करने हैं। अभी स्टूडेंट यह समझना आपको बहुत जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पढ़ना तो है लेकिन उनको यही नहीं पता रहता स्टार्ट कहां से करना है, कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसके कौन से मेथड करने हैं। वो चालू हो जाएंगे जो एक चैप्टर शुरू करेंगे, हर बार फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 सम सॉल्व करेंगे और बैठ जाएंगे, तो इससे आप नहीं पास हो सकते। पास होने के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। सबसे पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना चाहिए वो चैप्टर का नाम है कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर स्टूडेंट 2 टाइप्स के सम होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल और सिंपल कॉस्ट बोलते हैं हम लोग, दूसरा आपका होता है यहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अभी ये 2 चैप्टर आप पढ़ते हो, मतलब एक चैप्टर ये पढ़ोगे कॉस्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कंफर्म आपको 20 मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट। कितने मार्क्स मिलेंगे?
20 मार्क्स। अभी ये चैप्टर सीखने के लिए आपके पास टाइम कितना जाएगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 2 आवर्स जाने वाला है। यदि आपको पता कि क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, ठीक है, आपको पता कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट इसमें खर्चे दो होते हैं, एक आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चों को हम लोग प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको प्राइम कॉस्ट के अंदर पता कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के ऐड करके प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर आपको उसके पता कि प्रोडक्ट बनाने में यूज होने वाले खर्चे जो होते हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री के खर्चे होंगे, ऑफिस के होंगे, सेलिंग के होंगे, ये सब खर्चे ऐड करने का टोटल कॉस्ट मिलेगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करने का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और आपने इतना ट्रिक से दिया शॉर्टकट ट्रिक से, इसको 2 घंटे में भी पढ़ लिया ना स्टूडेंट, तो कंफर्म आपको 20 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। 2 घंटे में दोनों मेथड आपके कवर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आपको एकदम पता रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, मैंने बता दिया कि कौन कौन से टाइप से कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसमें से कंफर्म आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। तो आपको जाना है सिर्फ वो देखना जो इस बार के एग्जाम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो। 2 सम इस मेथड का सॉल्व करो, 2 सम इस मेथड का, 2 सम आपको एस्टिमेटेड का सॉल्व करना है, 2 नॉर्मल कॉस्ट शीट का। इसमें एक यूनिट वाला होता है, एक नॉर्मल सिर्फ अमाउंट का कैलकुलेशन होता है, एक में यूनिट दिया हुआ रहता है। 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता है तो आप सॉल्व कर लो बस। एक समय 2 सम एस्टिमेटेड का, 20 मार्क्स आपका कॉस्ट में कंफर्म हो गया। यदि आपको लगता है कि नहीं हो सकता, खुद से नहीं कर सकते, अभी तक नहीं पता स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं सिखाऊंगा तो आप उसमें सीख सकते हो, क्रैश कोर्स में भी आप सीख सकते हो यहां पर चीजें। दूसरा चैप्टर आपका ओवरहेड, ओवरहेड का भी स्टूडेंट उतना ही वैल्यू है जितना इस कॉस्ट शीट का है। सिंपल और इजी चैप्टर है। अभी ओवरहेड के अंदर भी 2 मेथड्स है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जो होता है यहां पर एस्टिमेटेड है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड है इसमें 2 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी ओवरहेड, और सॉरी यहां पर एस्टिमेटेड मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, इसको हम लोग मशीनरी ओवरहेड बोलते हैं, मशीनरी ओवरहेड। अभी ये जो ओवरहेड चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें से भी कंफर्म आपको 20 मार्क्स आने वाला है, 20 मार्क्स का सम यहां से भी आने वाला है, 20 मार्क्स आपको कॉस्ट शीट में से कंफर्म आने वाला है। इसके अंदर कितने सम करने हैं, 2 सम इसका करना है, 2 सम इसका, कितने टाइम जाएंगे, 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं जाएंगे, 1.5 आवर्स में ये पूरा आप कवर कर लोगे। यदि आपको शॉर्टकट ट्रिक पता कि कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको 10-10 पेज की थियोरी सिर्फ लिखकर नहीं जाना है, ठीक है, आपको एक एक चैप्टर समझाने के लिए 10 पेज आपको पहले थियोरी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ पता है कि सम को कैसे सॉल्व करना है, क्या एग्जाम में आपको क्या करना है, सम सॉल्व करने का मार्क्स मिलेगा, ना कि आप 10 पेज के सम के बारे में लिखो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। सम यदि आपने सॉल्व किया, आपको पता कि कैसे सॉल्व करना है, आपने राइट आंसर लाया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसके अंदर मशीनरी ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 टाइप्स होते हैं, ये आप कर लो, 1.5 आवर्स आप दो और ये चैप्टर आपको आ गया, 20-20 मार्क्स हो गया। इसके बाद थर्ड चैप्टर, सिंपल चैप्टर एकदम, मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर भी 3 टाइप्स है, क्या क्या है, ईओक्यू है, इसके बाद यहां पर है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में आपको क्या करना है, फीफो वेटेड एवरेज मेथड करना है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक कितना है, एक ऐसा चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है, कैसा स्टूडेंट, एकदम ये सिंपल चैप्टर, कितने मार्क्स आया था, 20 मार्क्स का। मैं एकदम लास्ट में क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यदि ये सब चैप्टर आप करके रखोगे स्टूडेंट, तो इसमें एकदम लास्ट में एक दिन भी पहले, एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको पढ़ने बैठे ना, सीख लिए ना, तो भी आपको मार्क्स इसके मिल जाएंगे। एकदम ये फीफो वेटेज कितनी बार 20-20 मार्क्स का पूछा गया है, तो आपको पता है क्या, एक्चुअली में आपको पता ही नहीं पढ़ना क्या है, फिर चीजें आपको बहुत वास्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, एक सर्च करते हो चैप्टर से, फिर वो चैप्टर में पहले ही इंट्रोडक्शन में 2 लेक्चर चले जाता है, 2 घंटा बैठने के बाद आपको लगता है अभी फिर इतना कंप्लीट करने में कितना टाइम जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐसा मत करो, शॉर्टकट ट्रिक से एकदम सीखो चीजें, शॉर्ट में एकदम सीखो। अभी ये 20-20-40-20-60 मार्क्स इधर ही हो गया, 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 मार्क के थियोरी, 100 मार्क्स हो गया। अभी आपको टॉपर बनना, ठीक है सर मुझे और भी चैप्टर करने, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से आओ, लेबर ओवरहेड पढ़ लो, लेबर के पढ़ लो, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड है, फॉर्मूले है, तो फॉर्मूला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, रेमुनरेशन मेथड कर लो, स्टेटमेंट वाला मेथड जिसमें
कॉस्ट और रेमुनरेशन कैलकुलेट करना होता है। ए बी 20 मार्क का ही आता है, कोई चैप्टर कम का नहीं आता है। इसके बाद और भी आपके पास टाइम है तो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ लो, पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी से पढ़ो। पहले ही आपने क्या किया, लेबर कॉस्टिंग लेके बैठ गए, कुछ नहीं समझ रहा है, उम्मीद ही छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम केटी के बारे में सोचने लगे। केटी के बारे में सोचे, एक साल बाद ये सब पास हो गया और आप केटी देने जा रहे हो, और केटी देने भी जा रहे हो तो नहीं क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा जब आप रेगुलर टाइम में नहीं पढ़ पा रहे, तो उस समय कैसे आप पढ़ पाओगे। तो ये सब चीजों से स्टूडेंट स्ट्रेटेजी बनाकर आपको स्टडी करना है। वीडियो भी काफी लेंदी हो रहा है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बता देता हूँ, ठीक है, वो आप पढ़िए, बाकी टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर आपको अपडेट देते रहूंगा कि कब कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको। और स्टूडेंट यदि आपको लगेगा कि खुद से नहीं हो पा रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो आप लोग क्रैश कोर्स के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा स्टूडेंट, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप यदि वो लेक्चर ज्वाइन करते हो स्टूडेंट, तो 2500 आपको कभी फील नहीं होगा वेस्ट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आप बुक खरीद लेते रहोगे स्टूडेंट 1200 से 1500 में। यहाँ पे आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सब A to Z आपको मिलेगा, टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगा। चलो आते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कौन कौन से है। एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है वो पढ़ लेना स्टूडेंट, ईओक्यू पढ़ लेना। दूसरा यहाँ पर लेबर टर्नओवर क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। थर्ड ABC क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ लेना। फोर्थ आपको प्राइम कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ऑफिस ओवरहेड क्या है, सेलिंग ओवरहेड क्या है, ये सब में से एक ने एक तो एग्जाम में मुझे लगता है आ ही जाएगा स्टूडेंट, ये पढ़ लेना आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अभी के लिए मैं आपको 5 शॉर्ट नोट्स देता हूं स्टूडेंट, पहले 5 शॉर्ट नोट्स पढ़ के रखो, जैसे जैसे एग्जाम आएगा एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव और थियरी और भी बताते रहूंगा। स्टूडेंट चैनल को फॉलो करते रहो और कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट, फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।